ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट में आज अहम फैसला। ज्ञानवापी में शिवलिंग या फिर फवारा, इसकी तस्दीक के लिए कार्बन डेटिंग की जांच की मांग। दोपहर के बाद वाराणसी कोर्ट सुनाएगा फैसला। कर्नाटक के बीदर में गवान, मदरसा और मस्जिद में ताला जो है तोड़कर जबरन घुसे अराजक तत्व, जमकर किनारेबाजी। जय श्री राम, भारत माता की जय के लगाए गए नारे। सुरक्षा कर्मी को धमकाया गया, पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है गवान, मदरसा और मस्जिद। अराजक तत्वों ने गवान, मदरसा और मस्जिद में जबरन घुसने के बाद पुरातत्व विभाग के संपदा को पहुंचाया नुकसान। अंदर फेंका गया कूड़ा कचरा। 9 आरोपियों पर केस दर्ज। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 5 अभी तक फरार। पुलिस के मुताबिक निजाम काल से मीनार के पास में पूजा की परंपरा है। पुलिस ने दिया हवाला, पहले 3 से 4 लोग मीनार के पास में पूजा की परंपरा को निभाते थे और इस बार ज्यादा लोग घुस गए। बीदर में गवान, मदरसा और मस्जिद में अराजक तत्वों के जबरन घुसने पर अल्पसंख्यकों ने जताया एतराज। पार्टियां जो कल खड़े हैं लोग गैर कौम के, जो भी तंजीम इसको करी है, लिहाजा हम दरखास्त करते हैं और कल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने सामने ठहर कर इसका लॉक तोड़ी है। कर्नाटक के गृह मंत्री अर्घा ज्ञानेन्द्र ने बीदर घटना पर अनभिज्ञता जताई। कहा, मदरसे के पास में एक पेड़ था जहां पर हर साल पूजा होती थी, लेकिन मुझे घटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बीजेपी मुसलमानों को नीचा दिखाने के इरादे से ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज से सिक्किम और असम के दौरे पर, पूर्वोत्तर के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे संवाद। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नहीं ले रहे हैं नाम। सीएम एकनाथ शिंदे के खेमे ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिवसेना के पार्टी सिंबल पर पेश किया अपना दावा। कर्नाटक के मल्लेनहल्ली इलाके में आज निकलेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से आज नहीं जुड़ेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा। पहले प्रियंका को भारत जोड़ो यात्रा में आज जुड़ना था। कर्नाटक के मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा में कल शामिल हुई सोनिया गांधी, कुछ देर तक राहुल गांधी के साथ चले। पदयात्रा के दौरान सड़क किनारे जुटी भीड़ में लड़खड़ाए हुई एक बच्ची आई, राहुल और सोनिया गांधी के पास बुलाकर उससे हालचाल जाना। 7 से 8 अक्टूबर को भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे सोनिया गांधी। अगस्त 2016 के बाद पहली बार पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में की शिरकत। भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी का वार, कहा, यह सिर्फ परिवार बचाने की लड़ाई। दिल्ली के शराब घोटाले केस में एक्शन में ईडी, कई राज्यों में छापेमारी जारी। शराब घोटाले केस में दिल्ली, हैदराबाद, पंजाब समेत 35 जगहों पर ईडी का छापा। शराब घोटाले में ईडी के एक्शन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पलटवार, कहा, बर्बाद किया जा रहा अधिकारियों का वक्त। केजरीवाल के मुताबिक 300 से ज्यादा ईडी और सीबीआई अधिकारियों ने 500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की, लेकिन पहले की तरह कुछ भी नहीं मिला। बारा में पहुंचे बीजेपी विधायक मदन दिलावर का कांग्रेस पर वो हमलावर, कांग्रेस के गहलोत सरकार को बताया हिंदू विरोधी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री के आवास पर इफ्तार पार्टी में दंगे के आरोपी को न्योता दिया जाता है, सीएम निवास को बताया आतंकियों की शरण स्थली। कांग्रेस 100% हिंदू विरोधी है, यदि कोई कांग्रेस को वोट देता है तो समझ लेना चाहिए कि भगवान राम का विरोधी है, भगवान कृष्ण का विरोधी है। हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर को सताई मधुमक्खियों की चिंता, का 5G नेटवर्क से निकलने वाली तरंगों का मधुमक्खियों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। महाराष्ट्र के ठाणे में लोकल ट्रेन में सीट को लेकर कुछ महिलाओं के बीच में हुई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। ट्रेन में महिलाओं के सीट का झगड़ा सुलझाने पहुंचे पुलिस कर्मियों पर का बताया जा रहा कि महिलाओं का उन पर फूटा गुस्सा, अस्पताल में भर्ती कराने तक की नौबत आई, पुलिसकर्मी को चोट आई। फिल्म आदि पुरुष पर कई राज्यों में पाबंदी की उठी मांग, बीजेपी नेता राम कदम की धमकी, फिल्म को महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे रिलीज। राम की शिक्षा स्थली बक्सर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की मांग, जो फिल्म भगवान राम का करे अपमान उस पर रोक लगाए सेंसर बोर्ड। विश्व हिंदू परिषद की चेतावनी, सिनेमा हॉल में फिल्म आदि पुरुष को नहीं चलने देंगे, केंद्र से सेंसर बोर्ड को भंग करने की मांग। बजरंग बली के अपमान पर भड़के भारतीय आवाम पार्टी, वाराणसी में फिल्म आदि पुरुष के कलाकारों का पुतला जलाया।
संभल में भी फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ प्रदर्शन, हिंदू जागरण मंच का विरोध, फिल्म को बैन करने की मांग। दिल्ली के उपराज्यपाल को लेकर सीएम केजरीवाल का अजीबो गरीब ट्वीट, लिखा एलजी साहब मुझे रोज जितना डांटते उतना तो मेरी पत्नी भी नहीं डांटती। ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा एलजी साहब थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस को भी बोलो थोड़ा चिल करें। सीएम के ट्वीट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का पलटवार, कहा छिछोरेपन की भाषा बता दे कि केजरीवाल का मानसिक स्तर क्या है। यूपी में विवाद के बीच में मदरसों के फिजिकल सर्वे का काम तकरीबन पूरा, शासन को जल्द ही सौंपी जाएगी रिपोर्ट, मंत्री दानिश अंसारी ने जानकारी दी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि मदरसों की हालत सुधारने की कोशिशें हैं और नहीं सुधर रही हालत, इसलिए आपत्तियां हैं, जहां पर आपत्तियां वहां पर होगी कार्रवाई। दिल्ली समेत एनसीआर में बीती रात हुई बारिश, सुबह भी बादलों ने आसमान को घेरा। उत्तराखंड में बर्फीले तूफान का शिकार हुए पर्वतारोहियों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अब तक 19 लोगों की मौत की पुष्टि। उत्तरकाशी में द्रौपदी कांटा दो पहाड़ी पर बर्फीले तूफान का शिकार हुए थे 29 लोग, कुछ लोग अभी तक लापता है, मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू मिशन भी उसमें भी लगातार बाधा है। टिहरी गढ़वाल में मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी, जिलाधिकारी ने जिले में 1 से 12वीं तक के स्कूल कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज एक दिन का अवकाश घोषित किया। अल्मोड़ा में भी आज स्कूल कॉलेजेस बंद, भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। अयोध्या में जोरदार बारिश से कई जगहों पर जल भराव का संकट। बिहार के गोपालगंज में बढ़ा सैलाब का खतरा, उफान पर है गंडक नदी, खतरे के निशान पर पहुंची, डीएम ने निचले इलाकों में अलर्ट किया जारी। महाराष्ट्र के हिंगोली में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद से किसानों की मुसीबतें बढ़ी क्योंकि फसल हुई बर्बाद। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में भारी बारिश के बाद से जलभराव का संकट, सड़कों में गड्ढे बने आफत, कामकाज के लिए घर से निकली महिला जलभराव में गिर गई। चेंगलपट्टू में कई जगहों पर बारिश के बाद से सैलाब जैसा मंजर दिखा, लोगों की रोजमर्रा की कामकाज उनका बाधित। महाराष्ट्र के वाशिम में भारी बारिश के बाद से तबाही, बिजली गिरने की वजह से एक बच्चे की मौत, ट्यूशन से घर जाने के दरमियान हादसा हुआ। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद से लोगों की बढ़ी परेशानी, यातायात हुआ प्रभावित। राजस्थान के बूंदी में बेमौसम बारिश से किसानों के अरमानों पर फेरा पानी, खेत में कटाई के लिए तैयार धान की फसल बर्बाद। दिल्ली के हस्ताल इलाके में बिन बारिश सड़क पर भरा गंदा पानी, लोगों ने केजरीवाल सरकार और आप विधायक के खिलाफ की नारेबाजी। गोरखपुर में भारी बारिश के बीच में मां दुर्गा का विसर्जन हुआ, मौसम विभाग ने 51 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। आगरा में अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर स्वास्थ्य विभाग से 4 अस्पतालों में कुक सील किया गया, 19 अस्पतालों को आग से सुरक्षा के मानदंड पूरा नहीं करने को लेकर नोटिस जारी। यूपी में डग्गामार बसों पर परिवहन विभाग की सख्ती, एआरटीओ ने 5 बसों समेत 22 वाहनों को सीज किया। यूपी के पीलीभीत में भाई से जमीन विवाद में तहसील में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया, आत्मदाह का प्रयास किया, लोगों ने बचा लिया। बिहार के अररिया में 10 वर्षीय मासूम बच्चे से रेप, एक आरोपी गिरफ्तार। बारा में लहसुन की खेती करने वाले किसान भाव नहीं मिलने की वजह से परेशान, नदी में बहा रहे हैं लहसुन। मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत सेमी हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन के साथ हादसा हुआ, ट्रेन पर मवेशियों की टक्कर के बाद से 20 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही। कटनी में रेलवे स्टाफ ने बुजुर्ग की जान बचाई, पटरी पार कर रहे शख्स को ट्रेन आने से पहले ही ट्रैक से हटा लिया गया। चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे के लिए हवाई परेड का रिहर्सल, मशहूर सुखना झील के ऊपर हैरतअंगेज करतब, 8 अक्टूबर को मुख्य कार्यक्रम है। रेवाड़ी में रावण के सबसे ऊंचे पुतले के दहन से पहले अजीबो गरीब वाकया, राम और लक्ष्मण ने रावण को दौड़ा दौड़ा कर दिया। और अयम बिना इजाजत जुलूस निकालने पर कर्णी सेना के 35 नामजद कार्यकर्ताओं पर केस, विजयदशमी के मौके पर धारा 144 लागू थी। गुरुग्राम में पुलिस बीसीआर के कर्मचारियों पर अज्ञात लोगों का हमला, 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल है। अलवर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ट्रैक्टर चोर गैंग के सभी अपराधी पकड़े गए। धौलपुर में तालाब में तैरती मिली 17 साल की नाबालिग की लाश, परिजनों ने लगाए 6 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मनचले युवकों ने 3 पंडितों की पिटाई की, पुलिस मामले की जांच में जुटे। मिर्जापुर में नहर के किनारे मिला युवक का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर में पिंटू मर्डर केस में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। छपरा में लुटेरों ने
अमेजॉन के वेयर हाउस में दिन दहाड़े लूट की टीम लीडर को गोली मारकर 12 लाख से ज्यादा रुपए लूट लिए। लखीसराय में एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया, 4 पिस्टल 35 जिंदा कारतूस भी बरामद। सीकर में टोल कर्मचारियों के साथ गाड़ी चालक को उन्होंने पीटा, घायल के परिचित ने ज्यादा पैसा वसूलने का आरोप लगाया। राजस्थान के बारा में एक युवक को अवैध संबंधों के आरोप में लोगों ने पीट पीट कर मार डाला, पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चेन्नई के चाइल्ड केयर में खराब खाने की वजह से 3 बच्चों की मौत, 11 गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं। बागेश्वर में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, कई घायल हैं, गहरी खाई में गिरने की वजह से हादसा हो गया। मथुरा में पुलिस की टीम ने 2 चोरों को पकड़ा है, चैतन्य विहार इलाके में बुजुर्ग से लूटपाट का मामला है। मोतिहारी में 2 नाबालिग की हत्या से सनसनी, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पानीपत में चाकू फूंककर रेलवे टीटी की हत्या, हथियार लहराते हुए आरोपी वीडियो बनाते हुए मारा। मध्य प्रदेश के रतलाम में शिक्षक के दबाव में आकर छात्रा ने खुदकुशी की, दोस्ती के लिए लगातार स्टूडेंट को परेशान कर रहा था। बगहा में आदमपुर बाघ ने 12 साल की किशोरी की को मार दिया, बाघ को पकड़ना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। रीवा में श्रद्धालुओं से भरा हुआ एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट के और 3 श्रद्धालुओं की मौत, 24 लोग घायल, 40 लोग थे सवार। कैमूर में अपराधी ने घर में घुसकर शिक्षक के ऊपर चाकू से किया हमला, पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर के नौबहसा में ट्रक ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। नोएडा में कुत्ते को हटाने को लेकर महिला और उसके पति ने गार्ड के साथ की मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद। सोनीपत में जमीन विवाद में एक महिला की मौत, काफी समय से चल रहा था विवाद। जम्मू में विजयदशमी के दिन गैंग वॉर में 1 की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटे। अलीगढ़ में टोल कर्मी से बुरा व्यवहार करने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बागपत में एक ही परिवार के 5 सदस्य हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार, जिला अस्पताल में भर्ती। पंजाब के जालंधर शहर में नशे की हालत में आईपीएस अधिकारी से भिड़ा युवक, गलत तरीके से गाड़ी में पी रहा था शराब। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल टीम को मिली बड़ी कामयाबी, 22 शहरों में छापेमारी कर 65 साइबर ठगों को पकड़ा गया। जोधपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई, स्कूल शिक्षा विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। महोबा में नाबालिग लड़की का अपहरण करके 3 युवकों ने गैंगरेप किया, सुनसान इलाके में बेहोश पड़ी मिली पीड़िता। हाजीपुर में सिलेंडर लीक होने की वजह से आग में 3 लोगों की मौत, स्थानीय प्रशासन ने पर मदद न करने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। नेपाल के मधेश प्रांत में भीषण सड़क हादसा, 16 लोगों की मौत, बेकाबू बस नदी में जा गिरी। नेपाल में बस हादसे में 35 लोग घायल भी हुए हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इंडोनेशिया में सैलाब के बीच में ढही स्कूल की दीवार, 3 छात्रों की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के दावा, यूक्रेन ने रूस से वापस हासिल किए 500 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन। डोमिनिकन रिपब्लिक ने बस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हुई है, पुंटा केना इलाके में हादसा हुआ।